नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जाने इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में होंगे बदलाव, राज्य के 57 पैक्स समेत 157 सहकारी समिति के चुनाव पर लगी रोक। कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन मामले में 3 विधायकों समेत कई लोगों पर FIR दर्ज। बिहार को आज मिलेगी 5 लाख वैक्सीन की डोज। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। निजी विद्यालयों के सरकारीकरण करने के मामले में सरकार ने दिया जवाब। राज्य में निजी विद्यालय अधिग्रहण के मामले में दलाली करने वालों की अब खैर नहीं होगी। निजी स्कूलों को सरकारी मान्यता दिलाने के नाम पर ठगी करने का गोरख धंधा चलाने वाले संघ संगठन व व्यक्तियों पर शिक्षा विभाग ने सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आदेश सभी जिलों को दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी करते हुए बताया गया कि तथाकथित संगठनों और व्यक्तियों के द्वारा निजी विद्यालयों के अधिग्रहण के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और उनसे अवैध तरीके से राशि की वसूली की जा रही है। मगर 1993 में ही मंत्रिमंडल ने निजी विद्यालयों के अधिग्रहण के मामले को अस्वीकृत कर दिया था और विभाग के पास किसी भी विद्यालय का अधिग्रहण का प्रस्ताव लंबित नहीं है। इसके तहत विभाग ने साफ किया कि फर्जी कागज बनाकर निजी स्कूल को सरकारी बताने वाले गिरोह पर सख्त कार्रवाई होगी। राज्य के 57 पैक्स और 157 सहकारी समितियों के चुनाव पर लगी रोक। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी अधिसूचनाओं को स्थगित करते हुए पैक्स व सहकारी समिति के लिए जारी चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके तहत 57 पैक्सों के साथ ही 157 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों के लिए चुनाव होने वाले थे, जिसे अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया गया है। यह कार्रवाई राज्य में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए किया गया है। आपको बता दें कि अधिसूचना के मुताबिक 15 मार्च को ही 57 पैक्स के चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी। वहीं 7 अप्रैल को आयोग ने बिहार सांसद एवं विधानमंडल सदस्य गृह निर्माण समिति के चुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की थी, जिसे भी अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में किया जाएगा बदलाव। सूबे में शिक्षा नियोजन की प्रक्रिया में अब बड़ा बदलाव होने वाला है। इसके तहत शिक्षा विभाग अब कड़ी निगरानी के बीच शिक्षकों को नियुक्त करने की तैयारी में जुट गया है। इसके तहत शिक्षा विभाग अब नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शिक्षकों से लेगी। जानकारी के मुताबिक अब नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और मेरिट लिस्ट को भी ऑनलाइन ही तैयार किया जाएगा। वर्तमान की व्यवस्था में नियोजन प्रक्रिया में काफी वक्त लगता है और अभ्यर्थियों को कई जगह आवेदन देने होते हैं, जिसमें पैसे भी अधिक खर्च होते हैं। विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया से शिक्षक के नियोजन में मनमानी और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और पहले की तरह नियुक्ति के लिए साल दो साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सूबे में जारी रहेगा बढ़ते तापमान का दौर। राज्य में इन दिनों लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके तहत सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान को दर्ज किया जा रहा है, जिस वजह से गर्मी का असर भी बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले 3 दिनों तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वहीं इसके ठीक 2 दिनों तक तापमान में गिरावट होगा और यह सिलसिला आने वाले अगले 2-3 हफ्ते तक चलता रहेगा। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस बक्सर में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस डेहरी में दर्ज किया गया। ककोलत वाटरफॉल इस साल भी रहेगा बंद। पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना के साइड इफेक्ट्स भ्रमणीय स्थलों पर दिखाई देने शुरू हो गए हैं। गर्मी के दिन शुरू होने के साथ ही जहां हर साल नवादा का फेमस ककोलत जलप्रपात पर्यटकों से गुलजार होने लगता था, जिसे अब कोरोना के कारण बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि नवादा में स्थित ककोलत जलप्रपात बिहार का इकलौता ठंडे जल का वाटरफॉल है, जहां गर्मियों के दिन सैलानियों का जमावड़ा लग जाता था। मगर संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सैलानियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले साल 2020 में भी यहां आने पर रोक लगाई गई थी। बिहार को आज मिलेगी 5 लाख वैक्सीन की डोज। राज्य में चल रहे टीका उत्सव के दौरान वैक्सीन की पूर्ति के लिए बिहार सरकार की मांग को केंद्र सरकार ने सोमवार देर शाम को मंजूरी दे दी, जिसके बाद आज राज्य को 5 लाख वैक्सीन की डोज मिलने वाली है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि आज मिलने वाले 5 लाख कोरोना वैक्सीन में कोविशील्ड के 2 लाख खुराक मिलेंगे, जबकि कोवैक्सीन के 3 लाख के करीब खेप पहुंचने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लगातार जारी रखने के लिए 30 लाख डोज की मांग की है और टीका उत्सव के दौरान हर रोज 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक 4-4 लाख टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके तहत टीका के स्टॉक में कमी आने के कारण सरकार ने टीका भेजने की मांग की थी। अब देश की हर थाली में बिहारी व्यंजन का सपना होगा जल्द पूरा। देश भर में बिहारी व्यंजनों को पहुंचाने का सपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे लेकर सीएम ने बिहार विकास मिशन की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए और इसके तहत उन्होंने कहा कि जल्द ही इस योजना पर रोड मैप बनाकर मिशन मोड में काम शुरू करें। इसके साथ ही सीएम ने सभी अधिकारियों से कहा कि 3 कृषि रोड मैप अब तक बनाए गए हैं, इससे फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि तीसरे कृषि रोड मैप के बचे हुए कार्यकाल में इस बात की समीक्षा करें कि हम अपने लक्ष्य को कितना प्राप्त कर पाए हैं और बचे हुए कार्यों को कैसे तेजी से पूरा करें।
महिला पुलिस के मामले में बिहार आया नंबर वन। बिहार में बीते दिन बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें कुल 11,838 अभ्यर्थी सफल हुए। वहीं सफल अभ्यर्थियों में 43% महिलाएं शामिल हैं, जिसके बाद महिला पुलिस भर्ती के प्रतिशत के मामले में बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। इंडियन पुलिस मानव संसाधन के 1 जनवरी 2020 के आंकड़ों के अनुसार बिहार पुलिस में सबसे अधिक 25.30% महिलाएं हैं। आपको बता दें कि देश में महिला पुलिस कर्मियों की कुल क्षमता 1,25,504 है, जिसमें केवल बिहार में महिला पुलिस की संख्या 23,245 है। हालांकि संख्या के मामले में अभी भी सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश में है, जिसके बाद महाराष्ट्र और फिर बिहार आता है, मगर राज्य में सभी पुलिसकर्मी के कुल प्रतिशत के मामले में बिहार नंबर वन है। आज से शुरू है चैत्र नवरात्र। माँ दुर्गा की उपासना का हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। हर वर्ष चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से इसकी शुरुआत होती है, जो अगले 9 दिनों तक चलती है। सूबे में आज पहली पूजा के दिन लोगों ने माता शैलपुत्री की पूजा उपासना की। आज पहले दिन शुभ मुहूर्त में मंदिरों व घरों में कलश स्थापना के साथ ही पूजा का विधिवत आरम्भ किया गया। वहीं आज से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो गई है। इस सभा को संबोधित करने तेजस्वी यादव पहुंचे झारखंड। महामारी के कारण बिहार में कई दौरों को टालने के बाद तेजस्वी यादव झारखंड में उपचुनाव को लेकर आज झारखंड पहुंचे, जहां उन्होंने 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए झारखंड का दौरा किया। इसके तहत नेता प्रतिपक्ष ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के बुढ़ाई और पतरौल में 2 चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। आपको बता दें कि झारखंड में मधुपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके तहत इस सीट से महागठबंधन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को मैदान पर उतारा है। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन मामले में 3 विधायकों समेत कई लोगों पर FIR दर्ज। बिहार के रोहतास जिले के गांव बाराडीह में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर विधायकों, जनप्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों पर केस दर्ज किया है। दरअसल जिले के RJD नेता रामनाथ यादव ने प्रशासन से बगैर अनुमति लिए एक समारोह का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में नोखा की विधायक सह पूर्व मंत्री अनिता चौधरी, काराकाट के माले विधायक अरुण सिंह, दिनारा के विधायक विजय मंडल समेत कई जनप्रतिनिधि व अन्य लोग भी शामिल हुए थे, जिसके बाद थाने में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बिना अनुमति लिए भीड़ जुटाने के जुर्म में स्थानीय पुलिस थाना के CO ने इन सभी पर FIR दर्ज किया। इसके तहत 3 विधायक और जनप्रतिनिधियों को बगैर अनुमति कार्यक्रम का आयोजन करने, आपदा अधिनियम व कोरोना के सरकारी गाइडलाइंस उल्लंघन मामले में नामजद अभियुक्त बनाया गया, जबकि कई अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया। रोजगार के बयान पर घिरे पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी। बिहार के पूर्व डिप्टी CM रहे सुशील कुमार मोदी पश्चिम बंगाल को लेकर दिए एक बयान के कारण विपक्षियों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बंगाल चुनाव को बिहार से जोड़ते हुए लिखा था कि पड़ोसी राज्य में बदलाव होने से बिहार के विकास में मदद मिलेगी और बिहारी मूल के लाखों लोगों को वहां रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जिसके बाद इस बयान पर तेजस्वी यादव ने सरकार के रोजगार के वायदों पर सवाल उठाते हुए इसे रिट्वीट कर कहा कि उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और यह सरकार बिहार के लोगों को 20 लाख नौकरियां और रोजगार नहीं दे पाएगी। उन्होंने ये भी लिखा कि मेरी पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख स्थायी नौकरियां देने का संकल्प था। बिहार में लगाए जाएंगे 5 करोड़ पौधे। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली के तहत ग्रीन कवर को बढ़ाने के उद्देश्य से 5 करोड़ पौधे रोपे जाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत पिछले साल वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने कई अन्य विभागों के सहयोग से 2,51,00,000 पौधे लगाने के लक्ष्य को पीछे छोड़ते हुए 3,91,00,000 पौधे लगाए थे। वहीं इस बार जल जीवन हरियाली योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ पौधों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जीविका दीदी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और जीविका की मदद से 5 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तमाम तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें भी की जा रही है। इस बार वन विभाग के साथ मुख्य भूमिका में ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा और जीविका भी शामिल है। वीरेंद्र सहवाग ने खोला चेतन सकारिया का राज। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच कल के खेले गए मैच में भले ही पंजाब ने बाजी मार ली, मगर अपने राजस्थान के लिए अपना पहला डेब्यू IPL मैच खेलने वाले चेतन सकारिया ने मैच में अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग से सबको प्रभावित कर दिया, जिसके तहत सकारिया ने अपने 4 ओवरों में 31 रन खर्च कर 3 विकेट झटक लिए। वहीं अब पूर्व क्रिकेटर ने अपने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि सकारिया का यहां तक का सफर मुश्किल बना रहा है। सहवाग ने उनकी मां का एक इंटरव्यू शेयर करते हुए लिखा कि चेतन सकारिया के भाई की कुछ महीने पहले सुसाइड से मौत हो गई थी। उसके पेरेंट्स ने उसे 10 दिनों तक यह बात नहीं बताई, क्योंकि वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे थे। उन्होंने आगे लिखा कि क्रिकेट इन युवा क्रिकेटरों और इनके पेरेंट्स
के लिए क्या मायने रखता है। सही मायने में आईपीएल भारतीय सपनों को पूरा करता है और कुछ कहानियां तो एकदम ही असाधारण है। दरअसल चेतन की मां ने एक इंटरव्यू में बताया था कि किन संघर्षों के बाद उनका बेटा इस मुकाम तक पहुंचा है। देश भर से मिल रहे हैं कोरोना के डरावने आंकड़े। कोरोना की दूसरी लहर में हर रोज देश भर से बड़ी संख्या में एक्टिव मामले आ रहे हैं। साल 2021 में बीते साल 2020 से भी ज्यादा आंकड़े एक दिन में दर्ज किए जा रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। covid19india.org की वेबसाइट के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 120,694 केस सामने आए हैं, जबकि 880 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,36,86,073 हो चुकी है। वहीं मरने वालों की कुल संख्या अब तक 1,71,089 हो चुकी है। वहीं बीते 24 घंटे में 96,727 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या देशभर में 12,58,906 हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आज होने वाले आईपीएल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले महामुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।